एक छोटे से गांव में पैदा हुई और किस तरीके से आज इस मंच पे एज अ वेस्ट इंडीज एम्बेसडर सुनते हैं उन्हीं की जुबानी. थैंक यू सो मच. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. थैंक यू सो मच. मेरा नाम दीपल है. जैसे आपने सुना, लाइफ में अभी सब कुछ है. एक बहुत अच्छा घर है, वीकेंड होम है, साल में दो कंपनी की ट्रिप हो जाती है, दो हम पर्सनली फॉरेन ट्रिप पे चले जाते हैं. हमारा वीकेंड होम लोनावला में जो अभी अभी रेडी हुआ है, जिसकी कीमत 1,80,00,000 रुपए है. हम जहां पे रहते हैं, हमारे पड़ोसी अमिताभ बच्चन जी और जितेंद्र जी हैं. तो ये सब कुछ है आज, पर क्या कुछ साल पहले यही था? ये मैं बताना चाहूंगी. जब हमने वेस्टीज को ज्वाइन किया, एक ऐसी परिस्थिति में हम थे कि शायद हमें अपना घर भी बेचना पड़े. पिछली कंपनी में हम जो काम कर रहे थे वहां पे भी एक बहुत अच्छे लेवल पे थे, पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारी पॉलिटिक्स और बहुत सारे चेंजेस की वजह से वन फाइन डे हमने डिसाइड किया कि हम रिजाइन करेंगे. और हमने रिजाइन किया, वहां से हम निकल तो गए, पर उसके बाद घर चलाना था, बच्चे को स्कूल भेजना था, जो एक लाइफस्टाइल थी उसे मेंटेन करना था, लोगों को ये नहीं बताना था कि हम हारे हैं, कोई तकलीफ है. तो हमने एक बिजनेस शुरू किया फाइनेंस का, फाइनेंस कंसल्टेंसी का, जो मेरे हस्बैंड जिसमें बहुत सालों से जानते थे सब कुछ. तो हमने उस बिजनेस की जब शुरुआत की, हमारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ, जिसमें जितने भी पैसे हमने हमारी मेहनत से इकट्ठा किए थे, वो पूरे पैसे एक ही झटके में कोई लेके चला गया. तो ऐसी हालत थी कि हमारे पास कुछ भी नहीं था. लोगों को लग रहा था कि इनके जैसी लाइफ और किसी की नहीं हो सकती है, पर क्या हो रहा था वो सिर्फ हमें मालूम था. कुणाल को, मेरे बेटे की फीस जो 30,000 रुपया महीने साल की हुआ करती थी, वो भरने के लिए भी पैसे, मुझे याद है, मैंने अपने पापा से लिए थे कि पापा अभी दे दो, मैं बाद में वापस कर दूंगी. सबसे बुरा मुझे तब लगा जब वापस अगेन एक प्रॉब्लम आई कि तब इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ गया. तो जो घर के ऊपर हमने लोन लिया था छोटा सा, उसका जो हमारा ईएमआई आता था 21,000 का, वो हो गया 40,000 के आसपास. तो इनकमिंग कुछ भी नहीं है, पर आउटगोइंग बहुत सारा है, क्या करें. हमने सोचा एक घर बेच देते हैं जिससे सब कुछ सेट हो जाएगा. सबसे प्रॉब्लम बड़ी मुझे तब लगी और मुझे बुरा सबसे बड़ा तब लगा जब कुणाल ने कहा, जब उसकी पढ़ाई 10th के बाद की बात आई और मुझे कहने लगा, मम्मा मुझे ये नहीं पढ़ना है, मैं अभी जो पढ़ रहा हूं वहीं आगे पढ़ लेता हूं, क्योंकि पैसे बच जाएंगे ना तो हम आगे की पढ़ाई में इसे यूज कर पाएंगे. मुझे अपने बेटे की कोई भी चीज में कॉम्प्रोमाइज करना अच्छा नहीं लगता है. आप लोग मेरे साथ हो, आपको अच्छा लगता है? मुझे भी अच्छा नहीं लगा, मुझे बहुत बुरा लगा. मैंने अपनी पूरी ज्वेलरी बेच दी जो बहुत सारी थी, मम्मी के घर से आई हुई और सासू माँ ने दी हुई. आप सबको मालूम होगा लेडीज को कि जो शादी में हम पहनते हैं वो हमारे दिल के कितने करीब होता है. बट मैंने सब कुछ दे दिया क्योंकि एक शुरुआत करनी थी, बट कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था दूर दूर तक. तब सडनली वेस्टीज, जो हमने 1.5 साल पहले समझा था, जाना था, पर हमने ज्वाइन नहीं किया था, हमने अंडर एस्टिमेट किया था कि वेस्टीज मालूम नहीं क्या सच में ये कंपनी हमें आगे ले जाएगी, और उससे भी बड़ा हमने अपने आप को अंडर एस्टिमेट किया था कि अभी हम आगे कुछ ऐसा बड़ा नहीं कर पाएंगे. अगेन वेस्टीज हमारे पास, हमारी लाइफ में आया और हमने उसे ज्वाइन किया. और आज जो हमारी जिंदगी है वो, बिलीव मी दोस्तों, खुशियां ही खुशियां हैं हर तरफ. और अभी जो मेरा एम है, मैं जो अभी करना चाहती हूं और जो मैं कर रही हूं, मैं हर जगह खुशियां बांटना चाहती हूं, मैं हैप्पीनेस हर जगह पहुंचाना चाहती हूं, मैं हर घर तक वेस्टीज को ले जाना चाहती हूं और लोगों को कहना चाहती हूं, कॉम्प्रोमाइज करना बंद कर दो. तुम्हारे पास प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू तुम अपने और अपने बच्चों की जिंदगियों में बदलाव ला सकते हो, और ये प्लेटफॉर्म सिर्फ वेस्टीज है. और जिसने सही में आप जैसे लाखों लोगों की जिंदगियों को बदला है. आखिरी में मैं यही कहना चाहती हूँ, थैंक यू सो मच, आप सब ने हमें विश्वास किया. अगर आपका विश्वास हम पे नहीं होता तो हम कुछ भी नहीं कर पाते. थैंक यू.